पाकिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब राज खान साहब के जाजोत पधारने पर युवा कार्यकर्ताओं ने और नेहरू युवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने खासतौर से स्वागत और अभिनंदन किया। यहाँ जो बनी स्टेडियम था, जिसको चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा SMS स्टेडियम जैसा बताकर गए थे, उसके बाद युवाओं का उत्साह जो है वो चरम पर है। उस दिन के बाद दो ट्रैक्टर कंटिन्यू लगे हुए हैं इस मैदान को बनाने के लिए। मैं खान साहब से बताना चाहूँगा कि इससे पहले यहाँ गंदगी फैली रहती थी और ये जगह कोई काम नहीं आ रही थी, कभी भी इस पर इस जगह पर हो रहे थे, तो यहाँ एक ट्रैक बनेगा। इससे पहले अभी जो सीकर में भर्ती हुई थी, उस भर्ती में यहाँ के युवाओं को सीकर जाना पड़ता था तैयारी के लिए। सुबह जाते थे जल्दी उठकर 4 बजे और 10-11 बजे वापस आते थे। उस दर्द को देखते हुए यहाँ ट्रैक बना रहे हैं ताकि यूथ तैयारी कर सकें। इसके अलावा वॉलीबॉल का जो ग्राउंड है वो नेशनल लेवल पर यहाँ तर्ज पर तैयार कर लिया गया है। बास्केटबॉल का यहाँ ग्राउंड तैयार होगा और बहुत सारे खेलों का ग्राउंड यहाँ पर तैयार होगा। KTC फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब राज खान से जाजोद के युवा इतने प्रभावित हुए कि वो इनका स्वागत और अभिनंदन करना चाह रहे थे। इसी कड़ी में आज राज खान जी हैं जो यहाँ पधारे और इस कड़ी में जाजोद के युवाओं ने माला साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया और राज खान से ये उम्मीद करते हैं युवा कि आगे भी वो हमें इसी तरह सहयोग प्रदान करते हैं। तो हमारा समापन समारोह था, उसमें राज खान जी ने हमारा जो छोटी सी कुटिया है, कार्यालय है, उसको डेवलप करने, उसको चमकाने की जो KTC फाउंडेशन की जापानी टेक्निक है उससे चमकाने की जिम्मेदारी ली थी। वो काम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा और ये ट्रैक के निर्माण में जो निर्माण सामग्री आएगी उसके लिए 21,000 रुपये KTC फाउंडेशन ने दिया है। तो KTC फाउंडेशन अपने जो संकल्प है उसके ऊपर एकदम अडिग है और निश्चित रूप से हम आयोजकों की मदद करेंगे। गाँव पुन्नी में आज समापन समारोह, क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह था जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। वहाँ पे भी मैंने देखा युवाओं में बहुत जोश था और उससे ज़्यादा ये स्थिति है कि जाजोद में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा अब तक कि इतना शानदार मेरा स्वागत किया इन लोगों ने। मैं भाइयों का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ और मालिक चाहे तो आप लोगों के साथ हमेशा, मतलब आप लोगों के साथ रहूँगा। आप लोग जब भी याद करोगे मैं उस दिन जरूर आप लोगों के पास जरूर अवश्य पहुँचे। फाउंडेशन हम जल्दी एक टीम तैयारी कर रहे हैं लक्ष्मण की तहसील में, उसमें इलियास भाई को और मुबारक भाई को हम बताना चाहते हैं कि जल्दी आप इस टीम को तैयारी करें और आगे अच्छे प्रोग्राम यहाँ रखा है। KTC फाउंडेशन जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है उसकी यहाँ टीम तैयार की जाएगी लक्ष्मणगढ़ तहसील में और गाँव स्तर पर उसकी टीम तैयार की जाएगी और आने वाले समय में जिस तरह की ज़रूरत आयोजन समिति को रहेगी, चाहे मोमेंटो की हो, चाहे खेल मैदान की हो, चाहे किसी भी तरह की हो, उसमें KTC फाउंडेशन निश्चित रूप से युवाओं का सहयोग करेगा। खेलने का मौका मिले और उसके लिए संसाधन मिले, ग्राउंड यहाँ पर तैयार हो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जो KTC फाउंडेशन काम कर रहा है वो काम भी अपना रेगुलर जारी रहेगा और हम राष्ट्रीय स्तर तक इस काम को लेकर जाना चाहते हैं। जाजोद गाँव और नेहरू युवा मंडल जाजोद राज खान साहब का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता है कि आपने राह चलते युवाओं के लिए समय निकाला और अपने तन मन धन से यहाँ के ग्राउंड को डेवलप करने के लिए हमारी आप मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत